हुडा के जाल में हुडा। जी हाँ, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ रेणु कैलाश। क्या पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चहेतों को इंडस्ट्रियल प्लॉट दिलवाए हैं? क्या बीजेपी के आरोप सही हैं? क्या वाकई सत्ता में रहते हुए पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है? 14 प्लॉट जिनकी कीमत करोड़ों में है, क्या वो प्लॉट कौड़ियों के दाम अपनों को बांटे गए? क्या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में बंदरबांट हुई? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके कंधों पर हुड्डा की जिम्मेदारी भी थी, आज उन्हीं के नाम विजिलेंस ने एफआईआर काट दी है। विजिलेंस की जांच में भारी अनियमितताएं मिलने के बाद सीएम खट्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद हुड्डा के जाल में फंसते दिख रहे हैं। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कस सकता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर विजिलेंस विभाग ने पूर्व सीएम समेत 6 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही सीएम ने प्लॉट आवंटन में हुई धांधली की जांच सीबीआई से करवाने के लिए सिफारिश भी कर दी है। इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामला में फंसे हुड्डा, सीएम के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एफआईआर। हुड्डा के पूर्व मुख्य प्रशासक डीपीएस नागल पर भी एफआईआर के आदेश। एससी काउंसिल रिटायर्ड मुख्य वित्तीय नियंत्रक हुड्डा, बीबी तनेजा तत्कालीन उप अधीक्षक कार्यालय हुड्डा। विजिलेंस विभाग ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। विजिलेंस की रिपोर्ट आई है और उस विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसकी जांच कराई जाए, ऐसा हमारे वहाँ के लोगों का, हमारे एजी साहब का एक मत बना है। तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से उसकी जांच कराई जाएगी, ताकि उसमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए यदि ये काम किया गया होगा तो उसको उसके अनुसार कानून अपने हिसाब से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और इसको हम आगे जाँच कर लिए। सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद सूबे के एक्शन मैन अनिल विज सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। अपनी खबर का संज्ञान लिया है और मैंने अपने विभाग को उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। समय लग सकता है, किसके पास दस्तावेज हैं, क्या क्या दस्तावेज हैं, वो सारे देखने पड़ेंगे। वैसे तो वो साई का मामला है और साई तो हमारे अंडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा कहाँ तक कंसर्न है उसमें और क्या सच्चाई है, उसका सारी वास्तविकता क्या है, वो सारी पता लगे, वो मैंने लिख दिया। प्लॉट आवंटन में एफआईआर दर्ज होने के साथ ही सूबे में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। गुड़गांव में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। पूर्व की हुड्डा सरकार ने दिसंबर 2011 में पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में 11 प्लॉट अलॉट किए थे। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर प्लॉट आवंटित किए गए। प्लॉट अलॉटमेंट में बड़ी गड़बड़ी का मामला सड़क पर सुनाई पड़ा तो विधानसभा में भी प्लॉट गड़बड़ी पर विपक्ष को घेरने में सरकार कामयाब रही। सूबे में बीजेपी सरकार बनने के बाद मामले की जांच हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी गई थी। विजिलेंस ने आवंटन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां पाई, जिसके बाद अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आरोप है कि जांच सिर्फ हुड्डा तक नहीं है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जांच के घेरे में है। आरोप ये भी है कि सीएम ने अपने चहेतों को करोड़ों के प्लॉट कौड़ियों के दाम पर दिलवाए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सत्ता, सीएम और अधिकारी सब जांच के लपेटे में हैं। देखना है कि धांधली के इस खेल में किन किन पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
किन किन पर गाज गिरती है ये देखना भी लाजमी है। हालांकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह मौजूद है। महेंद्र जी नमस्कार। पूरी रिपोर्ट आपने देखी और आप जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहेंगे आप? देखो रेणु जी, बहुत स्पष्ट बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पंचकुला के जो 11 इंडस्ट्रियल जो प्लाटों का जो मामला है ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं थी। दरअसल सवाल अब ये उठता है कि जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी बताया अपनी बाइट में कि हम इंडिपेंडेंट एजेंसी से, मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट एजेंसी कौन सी होगी और कौन होंगे उसमें और जांच कराइए, लेकिन आप एक समय अवधि भी निश्चित करिए कि इतनी समय अवधि में हम जांच कराकर उसका रिजल्ट भी हम दे देंगे और उस रिजल्ट पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तब तो एक अच्छा संदेश जाएगा कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जितनी भी अनियमितताएं और गड़बड़ी हुई है चाहे किसी भी क्षेत्र में हुई हो उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये तो रही एक बात, और सरकार को ये करना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति प्रदेश के लोगों को बतानी भी चाहिए। एक भरोसा जमे सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, सरकार की नीयत का भी पता चल जाएगा इसमें कि वो किस तरीके से काम कर रही है। कल को ये भी आरोप लगेगा कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि इंडिपेंडेंट एजेंसी कौन सी होगी, जब हमने जो देश की सर्वोच्च जो एजेंसी है जो इस तरह के मामलों को देखती करती है, विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन जैसे सीबीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर ही चुकी है, ये सरकार का तोता है ये, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी अब कौन सी होगी, कौन सी बची जी? मुख्यमंत्री को इसका खुलासा करना चाहिए जी। अब रही बात जो ये आरोप लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री पर और तमाम अधिकारियों पर कि उन्होंने पंचकुला के, दरअसल बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जमीनों से बहुत लगाव रहा है। जमीनी नेता रहे है ना, जमीनी नेता रहे तो जमीनों से बहुत लगाव रहा है। मैं इस पूरे मामले में जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं शरद यादव जी, उनके एक बयान को मैं कोट करूंगा जी। आज से 3-4 साल पहले वो गुड़गांव आए थे जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हरियाणा की राजनीति दरअसल प्लाटों के, जमीनों के इर्द गिर्द पनपती है जी। वहां से फलीभूत होती है जी। तो उनका बयान बहुत कुछ कह देता है और उनका उनका ये बयान देने के पीछे उनका इशारा बहुत सारे लोगों की तरफ था और जो एक एक करके इस पूरे मामले में वो चेहरे अब लोगों के सामने आएंगे कि किस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो उस समय कांग्रेस में थे और भारतीय जनता अब यूनियन मिनिस्टर हैं, वो कहते थे कि गुड़गांव में जमीनों का मेल लगता है और हरियाणा की कौन सी जगह किस चीज का मेल लगता है, क्योंकि मामला पंचकुला का है। अभी गुड़गांव में भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी और निकली हैं तमाम तरह की। तो ये जमीनों का ये मामला है, जिन अधिकारियों को उन्होंने उपकृत किया है, करोड़ों अरबों रुपए के जो प्लॉट हैं वो कोड़ियों के भाव दे दिए, जिनको दिए गए हैं उन्होंने भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए राजनीति में कहीं ना कहीं आसान रास्ते बनाए होंगे, निकाले होंगे, बताए होंगे। बिल्कुल, तो ये उसी का ही शायद एक इनाम दे दिया गया हो। लौटेंगे इस सवाल पर कि क्या इनाम दिया गया, कैसे दिया गया और आखिर ऐसा राजनीति में क्यों होता है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सूरजपाल अम्मू इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सूरजपाल जी नमस्कार। नमस्कार। आज सोनिया और राहुल गांधी बड़ी मुश्किल से उस घेरे से निकले हैं और अब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर हरियाणा में फंस गए हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई बदले की भावना के तहत कार्रवाई है, केस वेस दर्ज करना और इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच करवाना। आपकी प्रतिक्रिया? जैसे मुझसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे मित्र जो कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे जी। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से बंदरबांट हुई है जमीनों की, प्लॉटों की, सीएलयू की, ये शुरुआत है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपने पद पर रहते रहते हुए जिस प्रकार से घोटाले किए हैं। और ये घोटाला जो है एफआईआर जो दर्ज विजिलेंस ने उनके अगेंस्ट की है, निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय है। उतनी धाराएं 120 से लेके 120 बी तक की अनेकों अनेक धाराएं उनके खिलाफ आज दर्ज हुई हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो मसला है इतना गंभीर है, 14 प्लॉटों का आवंटन हो गया और आवंटन भी इस प्रकार से हुआ कि आप जब इस पूरे केस की सत्यता में जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी सीबीआई के लिए आदेश दिए हैं और मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जैसे मेरे मित्र अभी कह रहे थे, अनेकों अनेक घोटाले गुड़गांव से लेके पंचकुला तक, पलवल से लेके
सिरसा तक अनेकों अनेक घोटाले अभी पेंडिंग है। ये तो जब फाइलें खुलेंगी खुलती चली जाएंगी। इन लोगों ने साल के अंदर जिस प्रकार से गंध खोला है हरियाणा के लोगों के साथ, लूट खसोट की है, किसानों को लूटा है, व्यापारी को लूटा है, गरीबों को लूटा है, इनको सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से नरेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश जी नमस्कार। नरेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरे को कुछ कम आ रही आवाज। नरेश जी दरअसल बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस दर्ज करना, आगे ऐसी फाइलें खुलेंगी तो खुलती ही चली जाएंगी। क्या कहेंगे आप कांग्रेस के लिए, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, ये बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है क्या? नहीं, ये घटिया मानसिकता का परिचय दे रही है भारतीय जनता पार्टी जी। और जो कंडेला के अंदर किसानों की निर्मम हत्या कर दी थी जो ना बिल होगा ना बिजली मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और झूठे वादे इन्होंने पहले भी सत्ता हासिल की थी INLD के साथ मिलकर के, उन पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। आज जो भारतीय जनता पार्टी है कहा दूध की दुई होगी, कितने कांड हुए थे जुलेना के अंदर, पास पास हरिजन के बेटों को निर्मम हत्या कर दी थी, आज तक मुलजिमों का पता। नरेश शर्मा जी आरोप आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं, आप उस बाबत जवाब दें कि कांग्रेस इस पर क्या सोचती है। ये छोड़ दीजिए कि किसने क्या किया, आपकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कम से कम उसका तो जवाब दीजिए। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, ये तानाशाही कर रहे हैं जी। और अपनी जो असफलता है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, सरकार दोनों सेंटर की भी और राज्य की भी असफल हो चुकी है, और उनसे ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर है, किसान मजदूर दलित वर्ग की और हर कमेरे वर्ग की जो आवाज सुर में ला के उठाना चाहते हैं, उसको दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। और इनको डिमोरलाइज कर रहे हैं लीडरों को जी। सूरज पालम्बू जी, संभव नहीं है जी, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। सूरज पालम्बू जी, सरकार का जो फेल्योर है उससे ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के नेताओं पर इस तरीके का मुकदमा किया जा रहा है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, बदले की भावना के तहत काम किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। 400 सांसदों वाली कांग्रेस आज 40 से 42 सांसदों पर आ गई जी, और हरियाणा के अंदर सत्ता में रहने वाले लोग आज सड़क पर आ गए। आज वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारा फेलियर तो हम देख लेंगे, परंतु जिन लोगों ने भ्रष्टाचार मचाया है, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अनेकों अनेक नेताओं ने बेल की है जी। उनको एक्यूज मानकर, क्योंकि बेल उसी को मिलती है जो अपराधी होता है जी। इनको अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिन्होंने भ्रष्टाचार 2000 करोड़ का घोटाला, ये नेशनल हेराल्ड केस का है, मैं कहता हूँ ये आज किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हमारे फेलियर की बात ना करें। इन्होंने जो कर्मकांड किए हैं, इन्होंने जो घोटाले किए, इन्होंने जो भ्रष्टाचार मचाया है, ये उसका जवाब कैसे देंगे, कोर्ट के अंदर उसकी तैयारी करेंगे। नरेश जी इस बात की तैयारी की जाए कि जो काम आप लोगों ने किए हैं उसका जवाब कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी फंसे हैं, ये तो अगली बारी अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कितनी तैयारी है? और रूपम घोटाला है, 150 हत्याएं हो चुकी, जो भारतीय जनता पार्टी के खलनायक है उनको तो ये बचाने का काम कर रहे हैं जी। और जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, जो इनकी असफलताओं का भांडा फोड़ कर रहे कांग्रेस पार्टी के लीडर जी, उन पर ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, चाहे वो हुड्डा साहब की बात हो चाहे वो सोनिया जी की बात हो, घटिया मानसिकता ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं दे सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत जरूर बनाएंगे हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश शर्मा जी आपका, सूरज पालम्बू जी आपका। तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है, लेकिन बड़ी खबर तो फिलहाल यही है कि हुड्डा के जाल में फंस रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके कुछ और पहलुओं पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हम सबका प्यारा एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर की घी जैसा स्वाद मन भाए, हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। जय गोगा जी हेयर ऑयल। गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था, तकरीबन एक महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी, तो बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 999-0599-0599 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल, एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। यह पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर की घी जैसा स्वाद मन भाए, हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
और बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हुड्डा के जाल में हुड्डा की बात कर रहे हैं जिन पर FIR अब दर्ज कर लिया गया है। 14 प्लॉटों के आवंटन में गड़बड़ियों के मामले में, अनियमितता के मामले में। हमारे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह। इनसे हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे का पूरा सच क्या है। महेंद्र सिंह जी, एक जो आरोप लगता था पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कि ये प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार है, और जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव भी गाहे बगाहे सुर बुलंद करते रहे हैं खरीद फरोख्त को लेकर, और जैसा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी, क्या ये उन तमाम आरोपों को पुख्ता करता है जो आज मामला दर्ज किया गया है, या विजिलेंस ने जो गड़बड़ियां पाई हैं, जो अनियमितताएं पाई हैं? बिल्कुल निश्चित, विजिलेंस को तो सबसे पहले तो कैप्टन अजय यादव साहब के बयान लेने चाहिए। उनको सारा मामले का पता है कि प्रदेश में जमीनों कि किस तरीके से कहां कहां क्या हिसाब किताब हुड्डा साहब ने किया था। उन्होंने सीधा आरोप भी लगाया है कि हुड्डा साहब ने सेकंड फेज में जी। जो 5 इंडिपेंडेंट विधायकों का जो समर्थन लिया था उसमें शाम दाम दंड भेद सारे अपनाए गए थे। ये तो कैप्टन अजय यादव साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है एक ये बात। और जैसा कि आपने बताया, ये बात बहुत 100% सच है कि ये सरकार हुड्डा सरकार के ऊपर जो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार का जो टैग लगा था ये यूं ही नहीं लगा था। आप ताज्जुब करेंगे कि उस समय कांग्रेस का छोटे से छोटा साधारण से साधारण कार्यकर्ता प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था, और जिसके सूत्र चंडीगढ़ सत्ता के गलियारों में बिखरे हुए थे, फैले हुए थे, जुड़े हुए थे। तो ये चीजें क्या थी, ये यही है सारी चीजें। अच्छा, फिर गुड़गांव में कितना उस समय ये मामला हुआ था। हुड्डा साहब ने पहले तो किसानों की जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको सेज के नाम पर ले ली और फिर दूसरे लोगों को दी। वो मामला आज तक चल रहा है। फिर बाद में कह दिया कि किसान अपनी मर्जी से कहीं पर भी जमीन ले सकता है, दे सकता है, बेच सकता है, उसकी मर्जी को अपने भाव से दे सकता है। तो ये हुड्डा साहब का जमीनों से विशेष प्रेम दर्शाता है कि जमीनों के खेल को उन्होंने राजनीति का खेल किस तरीके से बनाया है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति प्रदेश के अंदर उन्होंने कर दी थी जो आज भी चर्चाओं में है, बड़ी खबरों में। ये तो अभी पंचकुला का मामला निकला है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रदेश के हर छोटे और बड़े जिले में ये फाइलें खुलती चली जाएगी। पूर्व की सरकार के जो मंत्री रहे हैं, जो मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं, जो संसदीय सचिव रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब का तो नाम आ ही गया है, पूर्व मुख्यमंत्री साहब का उनका तो नाम आ ही गया है। तो अब देखिए कि किस लेवल पर किस तरीके से चीजें होती है। ये सत्तारूढ़ पार्टियों का, सत्ता में रहने वाले लोगों का जो चरित्र है ये हमारे सामने आ रहा है और ये कई बार देखा। कांग्रेस इसको लेकर क्या आगे जांच में दबाव भी बनाएगी सरकार? नहीं, जैसा कि बदले की भावना से, जैसा कि रेणु जी अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले जो नरेश शर्मा जी से आप बात कर रहे थे, जो बादली के पूर्व विधायक हैं, आप सवाल कुछ कर रहे थे, ये जवाब कुछ दे रहे थे, तो इसी से ही जाहिर है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। और नरेश शर्मा जी तो कभी आप जो सवाल करेंगे उसका कभी सही जवाब दे भी देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको तो आज तक यही चीज समझ में नहीं आई कि मैं बादली से कैसे हार गया। अगर जैसे उन्होंने कहा कि हम तो जनता की आवाज उठाते आए हैं, अरे जनता की आवाज आपने सुनी, जनता की लड़ाई लड़ी आपने, तो आप हार कैसे गए? जनता ने आपको नकार क्यों दिया? बिल्कुल, आप इतने अच्छे मैंडेट के साथ आए और आपकी क्या हालत हो गई? क्या हालत हो गई? और जिस तरीके से अब फाइल दर फाइल खुल रही है, निश्चित रूप से खुलेगी। और हुड्डा साहब को तो भी प्रदेश की जनता को बहुत सारे सवालों का जवाब देना ही देना है। और ये जवाब कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, और किन किन मुश्किलों में फंसेंगे हुड्डा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातचीत की, विस्तार से इन चीजों के पहलुओं के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।